हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। आज ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हमारी जो कल वीडियो में डिस्कस हुई थी वो थी स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्फ नोड तक। हमारा जो टॉपिक था वहाँ तक हमने फिनिश किया था, ठीक है। हमने यहाँ तक ग्रुप्स तक फिनिश कर लिया था। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना था, जो कि आज हमें डिस्कस करना है, वो है फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतना ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए। ये गाइस, जो ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये नोट्स हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, क्लियर। तो चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जीएनएम का स्टूडेंट्स हो, उनके लिए ये सेम रहेगी, क्योंकि एनाटॉमी की जो बुक है वो सेम ही है। कोई इसमें टॉपिक भी थोड़ा बहुत ऊपर है, बाकी सब चेंज नहीं है, बाकी सब क्या सेम है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले इसमें देखिए फिल्टरिंग, ठीक है। इसमें क्या बता रखे हैं, फिल्टरिंग इज क्या है, इसमें लिम्फ इज फिल्टरिंग बाय द रेटिकुलस एंड लिम्फेटिक टिश्यू एज इट पासेस थ्रू लिम्फ नोड्स। फिल्टरिंग मैटर मे इंक्लूड बैक्टीरिया डेड इनजेस्टेड माइक्रोब्स। इसमें क्या है, लिम्फ को जालीदार और लसीका उत्तक ग्रो फिल्टर किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इनको फिल्टर किया जाता है, क्योंकि यह लिम्फ नोड से होकर निकलता है, ठीक है। जो लिम्फ है, लिम्फ को एक जालीदार जो होती है, जैसे नेट होती है, नेट की तरह क्या होती है, उसमें से लसीका एंड क्या होता है, उत्तक ग्रो जो होता है उसको क्या करते हैं, फिल्टर किया जाता है, क्योंकि यह लिम्फ नोड से होकर निकलता है, वहां से होकर गुजरता है, ठीक है। फिल्टरिंग जो है, इसमें फिल्टरिंग पदार्थ में बैक्टीरिया डेड एंड जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि इसमें हो सकता है जो फिल्टर होगा तो इसमें क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, जो डेड बैक्टीरिया होते हैं वायरस, वो इसमें छनकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये इंजेस्टेड जो माइक्रोब्स वो भी इसमें शामिल हो सकता है। इसके बाद आता है फेजोसाइट्स। फेजोसाइट्स के ऑर्गेनिन ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड इन लिम्फ नोड्स बाय माइक्रोफेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। सम इन ऑर्गेनिक इनहेल्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द फेजोसाइट्स, दिस रिमेन इनसाइड द माइक्रोफेजेस कॉजेस नंबर डैमेज और किलिंग द सेल। इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ माइक्रोफेजेस और एंटीबॉडीज द्वारा लिम्फ नोड में क्या होता है, ये डिस्ट्रॉयज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, जो जो माइक्रोफेजेस है और एंटीबॉडी है, उसके द्वारा क्या लिम्फ नोड में जो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। कुछ कार्बनिक जो होते हैं कि सांस की जो पार्टिकल्स पार्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये उन भागों में क्या होता है, साइटोसिस से परेशान क्या ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोफेजेस के अंदर बने रहते हैं, ये क्या होता है, माइक्रोफेजेस जो है उनके अंदर ये क्या होता है, बने रहते हैं और कोशिकाओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ तो ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं लेकिन हमें क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स एंटर लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनिंग दी नोड। इसमें क्या होता है, एक्टिव टी एंड बी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक्टिवेटेड जो है, इसमें टी एंड बी लिम्फोसाइट लिम्फ में लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसमें जो एक्टिव टी एंड बी लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में मल्टीप्लाई करते हैं। बी लिम्फ जो है, बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी लिम्फ और ब्लड को नोड में एंटर करती है, ठीक है। ये क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन तो आप सबने सुना ही होगा, ठीक है। क्या होता है स्प्लीन, ये जो है इसे हम बोलते हैं तिल्ली, यानी ये स्प्लीन है, ये क्या, स्टमक से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेन होता है जो स्टमक के बाई ओर प्रेजेंट होता है। इसके थ्री मेनली जो है काम होता है, ये क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखता है, ठीक है, खराब रक्त कोशिकाएं नष्ट करना और बैक्टीरिया आदि से क्या है, लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। अगर कोई डिजीज है, डिजीज होने पर क्या है, तिल्ली इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, और क्या है, ज्यादा आकार होना स्प्लीनोमेगेली कहलाता है। वही जो इसका आकार है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होने की अगर स्थिति है तो क्या होता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर इसकी जो है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो क्या होता है, ये जान का जो है खतरा भी हो सकता है। तो
इसमें क्या होता है, ये मेडिकली जो इसको हम बोलते हैं स्प्लीन, यानी बढ़ना, यानी कि तिल्ली बढ़ना एक डिजीज नहीं बल्कि कई जो है डिजीज के कारण भी हो सकता है, लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसका जो कारण है क्या है, वो स्प्लीन का जो वर्क होता है वो क्या है, मतलब स्प्लीन का जो कार्य बढ़ने पर, यानी किसी भी डिजीज के कारण जब बॉडी की जरूरत बढ़ती है तो इसका आकार भी बढ़ता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं स्प्लीन। दिस स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गेन एंड कंटेन रेटिकुलर्स एंड लिम्फेटिक टिश्यूज। ये क्या होता है, यह है एक, इसको हम बोलते हैं, यह है एक प्लीहा, सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गेनिक होता है और इसमें रेटिकुलर्स और लसिका उत्तक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है, दिस स्प्लीन लाई इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंक्शंस ऑफ द स्टमक एंड द हाई डायफ्राम्स। इसमें क्या है, इसमें स्टमक और डायफ्राम के जो कार्यों के बीच में क्या होता है, उधर गुहा, यानी कि गुहा के बाहरी हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में क्या है, एक स्प्लीन होती है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है, इट इज द पर्पलिश इन द कलर एंड वेसेस इन द साइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यह है पर्पलिश एंड पॉलिश एंड कलर्स की होती है और डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति में, और क्या है इसमें, जो इसका आकार है अलग अलग होता है। ठीक है, और इसमें है, इट इज यूजली अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये यूजली कितनी, 12 सेंटीमीटर होती है लंबी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है एंड 25 सेंटीमीटर इसके थिक होती है। इट वेट एंड अबाउट इसका 200 ग्राम्स होता है। इसका जो वेट है कितना होता है, 200 ग्राम्स होता है। ठीक है, ये आमतौर पर जो है ये क्या है, 18 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 20 सेंटीमीटर ये क्या है, मोटा होता है, और इसका जो वजन है 200 ग्राम्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ स्प्लीन, इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताऊं तो आप देखिए कैसे बनता है, ये है स्प्लीन। ठीक है, इस टाइप से है। ठीक है, ये थिक भी होता है, आप देख लीजिए, अगर इसका साइज बड़ा 20 सेंटीमीटर तक आया तो समझो जो है बॉडी को आपको क्या है, इससे खतरा भी हो सकता है। ठीक है, जो इसका साइज है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो तो बेटर रहता है। क्लियर, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ स्प्लीन। दिस स्प्लीन इज लाइकली ओवल इन शेप विद इलियम ऑन द लोअर एंड मिडिल बॉर्डर्स। ये तिल्ली जो है, तिल्ली हल्के मध्य अंडाकार बॉर्डर पर लिलियम के क्या होते हैं, सात आकार की जो है अंडाकार होती है। ठीक है, ये क्या अंडाकार के तरह होती है। ठीक है, इसमें बात आता है, द इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम एंड इन कलर विद द फाइब्रोब्लास्टिक कैप्सूल एंड डीप्स इनटू द ऑर्गन एंड ट्यूबरकुलर्स। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें देखिए जो इसमें बताया गया है कि ये इंटीरियर सरफेस पेरिटोनियम के साथ कवर किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है कि ये क्या बता रहा है इसमें, और ये फाइब्रोलोसर कैप्सूल के साथ क्या संलग्न है, जो एक जो है ऑर्गन जो है वो क्या है इसमें गहरा होता है। ठीक है, ये ट्यूबरकुलर बनता है, इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलर बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है, द सर्कुलर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस व्हिच इज कॉल्ड स्प्लीनिक एंड प्लम्प। इट इज लाइक बिटवीन द ट्यूबरकुलस एंड, इसमें है कि बताया गया है कि इसमें इसमें जो होता है कोशिकाएं मटेरियल में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो है उसमें माइक्रोफेजेस शामिल होती है जिन्हें प्लीहा का कह जो गुदा कहा जाता है, यह ट्यूबरक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है, इट कंटेन रेड पल्प विच इज सरफेस एंड विच ब्लड एंड व्हाइट पल्प दैट इज एरिया ऑफ लिम्फोसिटिक टिश्यूज। इसमें जो है रेड कलर का जो है वो गुदा होता है जो ब्लड और व्हाइट जो गुदा है उसके साथ होता है, और जो लसिका उत्तक का जो एरिया होता है वहां पर होता है। पॉइंट्स आता है, देयर आर सम स्ट्रक्चर दैट एंटरिंग द लिम्फ एंड स्प्लीन एट द हिलियम आर स्प्लीनिक आर्टरी एंड स्प्लीन वेन एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्वस। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ रचनाएं हैं जो हीलियम में क्या जो है इसमें स्प्लीन में एंटर करती है और ये क्या रहती है, जीवित रहती है। ठीक है, इनके ये नेम है। क्लियर, और जो ये इसका डायग्राम है आप इसे देख लीजिए, इस टाइप से ही जो स्प्लीन का डायग्राम बनेगा, यानी कि तिल्ली का इस टाइप से डायग्राम बनाना है। इसके बाद आता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं स्प्लीन के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सारे की फेजोसाइट्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, इसमें है स्प्लीन हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए वो कौन कौन से हैं स्प्लीन के, फेजोसाइट्स ओल्ड एंड एबनॉर्मल एंड
यूथ्रोसाइट आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। इसमें क्या है, जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड और एबनॉर्मल एथ्रोसाइट मेनली रूप से स्प्लीन में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो पुराने होते हैं और जो एबनॉर्मल एथ्रोसाइट जो मेनली रूप से क्या होता है, स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अदर सर्कुलर में मटेरियल जैसे कि इसमें है ल्यूकोसाइट्स हो गया, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ल्यूकोसाइट हो गया है और इसमें प्लेटलेट्स हो गए, और बैक्टीरिया स्प्लीन में फेगोसाइट में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये फेगोसाइट में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। दी ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट एंड बिलिरुबिन एंड आयरन आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर थ्रू दी स्प्लीन एंड लीवर वेन्स। ठीक है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट बिलिरुबिन और आयरन को स्प्लीन और लीवर वेन के बीच में जिगर में से ले जाया जाता है। स्टोरेज ऑफ ब्लड क्या होता है, दी स्प्लीन कंटेन अप टू 300 ml ऑफ ब्लड। वेन नीडेड मोस्ट ऑफ द ब्लड इज रिटर्न टू द सर्कुलेशन, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हेमरेज। ठीक है, इस प्लीहा में 350 ml तक क्या होता है, ब्लड होता है। कितना होता है, 350 ml क्या होता है, ब्लड होता है। जब ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड रिटर्न टू द सर्कुलेशन, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड का स्त्राव की स्थिति में रक्त सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, दिस स्प्लीन कंटेन टी एंड बी लिम्फोसाइट इन केस ऑफ इन्फेक्शन देयर आर एक्टिवेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बताया गया है कि वहां पर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इस प्लीहा में टी एंड बी क्या होता है, जब इसमें इस प्लेन में यानी कि इस प्लीहा में टी एंड बी लिम्फोसाइट होते हैं, इसमें इन्फेक्शन के जो मामले इसमें ज्यादातर होते हैं। ठीक है, इसमें है अकरिंग सीरियस इन्फेक्शन देयर लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई एंड कॉजिंग इनहेजरमेंट ऑफ द स्प्लीन, इट इज विच इज कॉल्ड एंड स्प्लीन मेगली। ठीक है, इसमें क्या है, बताया गया है वहां पर सीरियस इन्फेक्शन होने से लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा कुछ ऐसा दिक्कत आती है, जैसे कई बार क्या होता है, जो फीवर होता है, ठीक है, फीवर आपने सुना होगा कि उस इंसान को जैसे फीवर हो गया, उतर नहीं रहा है, ज्यादा फीवर होगा तो क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे उसमें कई गांठें बन जाती हैं, वो क्या होता है, वो इन्फेक्शन के कारण होता है, किसी इन्फेक्शन के कारण। बुखार हुआ, अगर पेट में कोई इन्फेक्शन है तो आपको फीवर होगा, गले में कोई इन्फेक्शन है तो आपको फीवर होगा। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो क्या होता है, वहां पर एक जो है पानी से भरी हुई गांठ बन जाती है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, अब क्या ये कहाँ कहाँ होती है, ये कहाँ कहाँ पर होती है, ये गले के पास होती है, बाजू के नीचे होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये कहते हैं, ये वहां अगर जैसे कोई बुखार हो गया, बुखार में भी इन्फेक्शन जल्दी बढ़ता है और जल्दी से यही कहे लिम्फ होने की चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी बुखार हो तो क्या करना है आपको, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाकर के आपको क्या है, मेडिसिन लेनी है। अगर आप पर ये क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स, दी स्प्लीन कंटेन टी एंड बी सेल लिम्फोसाइट इन केस ऑफ इन्फेक्शन दीज आर एक्टिवेटेड। इसमें क्या होते हैं, इस प्लीहा में टी एंड बी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट होते हैं, इनमें इन्फेक्शन के मामले हैं वो ज्यादा होते हैं। अकरिंग सीरियस इन्फेक्शन देयर लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई एंड कॉजेस इन इनकार्मेजमेंट ऑफ स्प्लीन विच इज कॉल्ड एंड स्प्लीन मेगली। अब इसमें क्या बता रहा है कि वहां पर अगर जैसे कोई मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर जैसे किसी को फीवर हुआ, ठीक है, अगर फीवर हुआ वो क्यों हुआ, किसी इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन कहाँ से, क्योंकि पेट में भी कई बार प्रॉब्लम होती है तो उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी फीवर आता है, गले में इन्फेक्शन है तो भी फीवर आएगा। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ गया तो आपको के लिम्फ होने के चांसेस होता है। जो लिम्फ है वो एक गांठ की तरह होता है। ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ा तो लिम्फ भी बढ़े, तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो घर पर मेडिसिन ना लेकर के डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, उसको दिखा लेना चाहिए। क्लियर, जो लिम्फ होता है ये आगे बढ़कर कैंसर का भी रूप ले लेता है। ठीक है, ये है इसमें, वहां पर सीरियस इन्फेक्शन होने से लिम्फोसाइट जो है बढ़ जाते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया इन्फेक्शन पड़ेगा तो लिम्फोसाइट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और प्लीहा के कारण भी बढ़ सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्प्लेन मेगली कहा जाता है। ठीक है, स्प्लेन मेगली कहा जाता है। इसके बाद आता है इथ्रोसाइट्स, दिस स्प्लीन एंड लीवर आर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फेटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो तितली यानी कि जो तिल्ली है, तिल्ली और लीवर फैटल ब्लड सेल प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट साइट है। ठीक है, इसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड। क्या होता है थाइमस ग्लैंड,
वो भी देख लेते हैं हम लोग इसमें। थाइमस ग्लैंड क्या होते हैं? इसमें है दी थाइमस ग्लैंड लाई इन द अपर पार्ट ऑफ मेरिस्टेम एंड बिहाइंड द स्टेम, ठीक है। इसमें है एक्सटेंड अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ नेक नेक, ठीक है। अब ये बता रहा है आपको ये कहाँ कहाँ होता है। अभी मैंने आपको बताया था ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये ज्यादातर कहाँ पर होते हैं। ये थाइमस ग्रंथि लाई जो उनके उरोस्थित के ऊपरी, ये अपर जो पार्ट होता है ठीक है, ऊपरी हिस्से में उरोस्थित के पीछे और गर्दन की क्या है जड़ में होती है। ये क्या आपके जो बाजू के नीचे भी हो सकता है, गर्दन के ठीक है, गर्दन के पीछे भी हो सकता है, जहाँ हमारा ईयर होता है ईयर के क्या होते हैं पीछे भी हो सकता है ठीक है, वहां पर इसकी जड़ें होती हैं ठीक है। इसके बाद आते हैं इसमें है सेकेंड पॉइंट आता है इट वेट अबाउट 10-15 ग्राम्स एट बर्थ एट प्रॉपर्टी इट इज द बिटवीन एंड 30-40 ग्राम्स एट मिडिल एज इट रिटर्न्स टू इट्स वेट एट बर्थ। इसमें क्या युवा अवस्था ठीक है में बर्थ के साथ क्या होता है लगभग ये 10 से क्या होता है 50 ग्राम्स के वजन होता है 30-40 ग्राम्स के बीच में होता है ठीक है। और जो मध्यम आयु में होता है उसका जो जन्म होता है जन्म के समय में अपने वजन को दोबारा ये क्या प्राप्त कर लेता है उसी वक्त ले लेता है। स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड दी थाइमस कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स जॉइंट दी एरोलर टिश्यूज। ये क्या था थाइमस एरोलर टिश्यूज द्वारा क्या होता है उत्तक टू लोग से मिलकर बनता है ठीक है। टू लोग से क्या है ये मिलकर बनता है ठीक है। दी लैब्स आर इनक्लोज बाय द फाइब्रस कैप्सूल विच डिप्स इनटू देयर सब्सटेंस। एक रेशेदार कैप्सूल से घिरी हुई होती है जो पदार्थ में क्या है डूबी हुई होती है ठीक है। दिस ग्लोबुल डिवाइड एंड कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलर फॉर्म वर्क ऑफ एपिथेलियल सेल एंड लिम्फोसाइट्स। इस जो है इस लैब को क्या है विभाजित यानी कि इसको क्या क्या है डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया जाता है और इसमें क्या उपकला कोशिका और लिम्फोसाइट के वर्क से नियमित होता है ठीक है। इस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।